क्या आपने कभी ऐसा देखा है चिकन बनते हुए? अपना नाम बताइए। प्रकाश कुमार। जोर से बोलिए। प्रकाश कुमार। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहा है सुबह के 4:30 और हम 3 बजे ही सो के उठ गए थे, क्योंकि अभी जस्ट हम आ रहे हैं स्टेशन से। मम्मी पापा जा रहे हैं बाज़ार, तो हम सब्ज़ी पहुंचाने के लिए गए थे दोनों भाई स्टेशन, और मम्मी पापा भी चले गए हैं बाज़ार सब्ज़ी बेचने के लिए, क्योंकि गाड़ी का टाइम जो है वो 4 बजे है, तो पहले ही जाना पड़ता है आधा घंटा पहले। और अभी तो बहुत ज़ोर नींद आ रही है, तभी जा रहे हैं फ़िलहाल सोने। और अभी शीला जो है और बाबू अभी सोया हुआ है, तो अभी फ़िलहाल हम सोते हैं और मिलते हैं आप लोग से मॉर्निंग में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? हम अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठे हैं, और मतलब लेट हो गया क्योंकि 3 बजे भोर में उठ गए थे, तो इसलिए लेट से सो के उठे। तो अभी हम निकल रहे हैं ड्यूटी, और क्योंकि ज़्यादा ही लेट हो गया है, जल्दी हमें जाना पड़ेगा। बाबू खा रहा है टोस्ट। क्या खा रहा है बाबू? टोस्ट खा रहा है। और इधर मेरे लिए इसमें स्पेशल बॉक्स में मेरे लिए लंच डाली है, घी रोटी, ये सुनील का है। तो ये खाना बना ली है, बहुत ही फास्ट खाना बनाती है। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो गाइज अभी हम हैं अपने ऑफिस के बाहर, क्योंकि मतलब बहुत ही देर से लगातार बैठे थे एक ही जगह पे और बहुत ही बोर फील हो रहा था, तो सोचे क्यों ना मतलब हम बाहर निकल के घूम लें। तो अभी हम देखिए कहाँ पे हैं, मेरे पीछे है पहाड़ और इधर भी है, लेकिन ये पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा, पीछे भी है और इधर बाएँ साइड भी है, और ये कोई पहाड़ नहीं है। यहाँ पे जो पीछे जो है माइंस है, तो वहाँ पे जो भी कोयला निकलता है उसका जो ये पत्थर का टुकड़ा होता है, वही पत्थर का टुकड़ा है ये सब, और इतना बड़ा ये पहाड़ बन गया है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30, बस हम आधा घंटा में यहाँ से हम निकल जाएंगे घर, क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है आधा घंटा का, फटाफट हम काम कम्प्लीट कर लेते हैं और अभी निकलेंगे हम घर, और बाकी ब्लॉग जो है घर पर शूट होगी। हमारा ऑफिस जो है यहीं बगल में है, बस सारा काम ख़त्म हो गया है। सारा लड़का 2 बजे ही चला गया था, बस एक लड़का बचा हुआ है, उसी के इंतज़ार में 2 घंटा से बैठे हुए हैं। जैसे ही वो आता है हम निकलते हैं घर। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं घर, और अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो थोड़ा सा लेट हो गया, जल्दी ही आने का प्रयास कर ही रहे थे लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं पार्टी में, तो चलिए पार्टी में मिलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं पार्टी में, और यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं प्लेट में सलाद, और यहाँ पे गुल्लू बड़े पापा और राधा आई है, और ये सब पहले ही आ चुकी है, और मेरे चाचा जी आए हैं और अभी खा रहे हैं चाचा सब खाना। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं हम भी खाना लेने के लिए। और इधर है पंकज जो कि राधा के हस्बैंड है, और नीचे है बच्चा पार्टी जो कि बच्चा पार्टी नीचे खाना खा रहा है। और इधर हैं भैया भाभी और काफ़ी क्यूट लग रहे हैं, और इधर बगल में हैं दीदी सब हैं, राधा है और बड़ी दीदी है विनीता दीदी, और गुल्लू जा रहा है डांस करने के लिए।
अभी हम आ चुके हैं घर और मम्मी और शीला भी बना रही है चिकन। अभी हम लोग खाना खा लिए, फिर भी चिकन देखिए फिर से खाने का मन कर रहा है। और ये बहुत ही टेस्टी चिकन बनाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन बनाती है। और ये मेरे लिए निकाल दी है कलेजी, जो कि इसको लीवर बोलते हैं। चना, आज चिकन में जो है वो डलाने वाला है चना, जो कि चना डालने से कुछ इसका जो है टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए कौन आए हैं, मामा जी आए हुए हैं, जो कि पिछली वीडियो में आप लोग को दिखाए थे और अभी बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं मामा जी, एकदम एलियन जी। मामा जी चाबी गिरा दिए थे बाइक का, तो अभी जस्ट खोज के लाए। दिखाइए मिला कि नहीं, मिल गया। और मामा से मजाक चलते रहता है क्योंकि मामा जो हैं मेरी उम्र के हैं। तो हमारे मामा जी जो हैं वो हमारे घर आए हैं आज। जब हम लोग छोटा थे उसे हम लोग बहुत इन्जॉय किए हैं, एक साथ हम लोग बहुत मतलब खेले हैं, एक साथ हम लोग दौड़े, खेलना कूदना एक साथ, क्योंकि छोटा में तो सबको चॉइस रहता है कि नानी घर जाने का, तो नानी घर हम बराबर मतलब बहुत जाते रहते थे। तो मामा साथ जो है हमेशा मामा का ही मतलब साथ में खेलना कूदना होता था। अपना नाम बताइए। प्रकाश कुमार। जोर से बोलिए। प्रकाश कुमार। और ये बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं। चंद्रपुरा। चंद्रपुरा कौन सा ज़िला पड़ता है। बोकारो ज़िला। बोकारो ज़िला पड़ता है। भाई साहब क्या आपने कभी ऐसा देखा है चिकन बनते हुए, तो आप आज देख लीजिए किस तरह चिकन बन रहा है। और ये जो कढ़ाई है ना स्पेशल चिकन के लिए ही है, लकड़ी के लिए, क्योंकि चिकन जो है लकड़ी में बनता है और इसका जो टेस्ट है कुछ अलग ही आता है। और लकड़ी का बनाया हुआ चिकन थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। चिकन जो है वो रेडी हो गया है और अभी मामा जी भी टेस्ट करके बताएंगे कि चिकन कैसा बना है। तो मामा जी भी टेस्ट कर रहे हैं और मामा जी भी बताएंगे कि कैसा बना है। ये बताइए मामा जी कैसा बना है। अच्छा। तो अभी सबके लिए यहाँ पे खाना लग रहा है। खाना प्रारंभ करने वाले हैं और मामा जी जो हैं खाना प्रारंभ कर लिए हैं। और ये जो है इसको तो ठंड लग नहीं रही है, ये अभी बॉडी दिखा रहा है। हमसे 3 साल छोटा है, लेकिन मेरा बॉडी देखिए और इसका बॉडी देखिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग करते हैं खाना को प्रारंभ। रात के बजने वाला है 12 और तो अभी हम जस्ट वीडियो को एडिट करके ख़त्म कर दिए हैं और अपलोड करेंगे सुबह में। तो गाइज आज का जो ब्लॉग है हम करते हैं एंड। तो हम मिलेंगे आप लोग से मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड गुड नाइट।